अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी स्पेशल सी रेसिपी है बनाना ब्रेड, क्योंकि हम बहुत ही इजीली हमें बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 मीडियम साइज बनाना हैं, इनको मैंने कट कर लिया और मैं इसको फोर्क की मदद से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसे ग्राइंडर में ब्लेंड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। इसको बहुत अच्छे से हमने मैश कर लेना है, देन हमने इसमें ऑयल ऐड करना है और फिर हमने इसको फोर्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करते रहना है, बीट करना है हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देन हमने इसमें ऐड करना है शुगर एंड एग्स, और उसके बाद सिनेमन पाउडर, चंद कतरे वनीला एसेंस के, और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर हमने नहीं लेना, और उसके बाद 1 पिंच सॉल्ट, और ये सब कुछ हमने इसमें ऐड कर लेना है। एक साथ ही हमने इस सबको ऐड कर लेना है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, इसको ठीक ठीक सा हम इसको बना लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। सबसे लास्ट में हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे, और मैदा ऐड करने के बाद ये बहुत ज़्यादा हमारे पास थिक हो जाएगा। हमने इसको बहुत एहतियात के साथ हमने इसको मिक्स करना है। ये देखें कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ चॉकलेट चिप्स मैं इसके अंदर ऐड करके उनको मिक्स कर लूँगी, और कुछ मैं रख लूँगी बाद में इसके ऊपर डालने के लिए। फिर सिर्फ मैंने मोल्ड को डस्ट कर लिया है मैदे के साथ, और इसके अंदर मैं बैटर ऐड करूँगी। हमने ब्रेड को इसी मोल्ड में बनाना है, किसी और शेप में नहीं बनाना है, कि ब्रेड की यही शेप होती है, और इसको हमने बहुत इतना ही बैटर हमने इसमें यूज़ करना है ताकि हमारी ब्रेड बहुत अच्छे से पक जाए, बहुत अच्छे से बेक हो जाए हमारी ब्रेड। और लास्ट में जो हमने चॉकलेट चिप्स कुछ रखे थे वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, और अब मैं इसको 35 मिनट्स के लिए मिनिमम बेक करूँगी। जी, हमारी ब्रेड बेक हो गई है, देखिए कितने अच्छे से हमारा ब्रेड बेक हो गई है। इसके साइड्स को मैं सेपरेट करूँगी मोल्ड से। जी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गैर टूटे बाहर आ गई है, और कितना अच्छा सा रेडी हो गई है। और यही शेप ब्रेड की होती है, तो हम इसको इसी शेप में बनाएंगे, और इसमें ज़्यादा शुगर का यूज़ नहीं होता, और इसमें चॉकलेट चिप्स भी ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए या हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, और आप इसे इजीली बना सकते हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।